देखो यार भाई लोग, आज के इस वीडियो देखने बाद आप सभी लोगों को फ्री का 50 रुपये मिलेगा। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आप सभी कैसे क्रिप्टो करेंसी पे मनी डिपॉजिट करोगे। उसके साथ साथ जो जो भाई अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए ना यार भाई लोग ज्वाइन हो जाना, क्योंकि कोई भी ऑफर वगैरह या फिर क्रिप्टो करेंसी पे कोई भी एयर ड्रॉप आता रहता है ना, तो सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बनता है, क्योंकि एक एक ऑफर भी लिमिटेड टाइम के लिए होता है जो कि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट देता है। ठीक है यार भाई लोग, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 मेथड बताऊंगा, जिस 3 मेथड के माध्यम से आप सभी आराम से आपका जो क्रिप्टो करेंसी पे ना मनी डिपॉजिट कर सकते हो, किसी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना, पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। और आप लोगों को जो भी कोई प्रॉब्लम होगा जिस जिस भाइयों को, तो आप सभी कमेंट नीचे कर सकते हो, उसके साथ साथ नहीं तो हमें टेलीग्राम पे SMS कर सकते हो, मैं आप सभी का रिप्लाई देते रहता हूँ। ठीक है, देखो यार भाई लोग, डिपॉजिट का पहला मेथड है कॉइन स्विच। ठीक है ना, अगर आप लोग अभी तक कॉइन स्विच एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया ना यार भाई लोग, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों का लिंक दे दूंगा। सिंपल सा लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और उसमें एक अकाउंट बना लेना, मोबाइल नंबर पासवर्ड ईमेल एड देकर इसी डिटेल डाल के ना अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनने के बाद ना आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिखा देगा प्रोफाइल सेक्शन। ठीक है, सिंपल सा आप लोगों को प्रोफाइल सेक्शन पर क्लिक करना होगा और उसमें आप लोग देखो कॉइन स्विच पे अकाउंट बनाने के लिए ना आप लोगों के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए, तो अभी जाकर आप इसमें अकाउंट बना सकते हो। ठीक है ना, और इसमें तुरंत ही डिपॉजिट हो जाता है। देखो कॉइन स्विच पे आधार कार्ड पैन कार्ड डाल के प्रोफाइल सेक्शन पे जाके वहाँ पे KYC होगा, KYC कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 1 घंटे के अंदर KYC हो जाता है। और इसमें एक अच्छा बात है, आप लोगों का KYC सक्सेस होता है ना, आप लोगों को तुरंत फ्री में 50 रुपये मिल जाते हैं। और मैं आप लोगों के लिए जो अगला वीडियो लाऊंगा ना, पार्ट 2 का वीडियो लाऊंगा, वो वाला वीडियो पे बता दूंगा आप लोगों को जो फ्री का 50 रुपये मिला हुआ ना, आप सभी ये वाला 50 रुपये कैसे बैंक पे ट्रांसफर करेगा। ठीक है ना, और देखो मैं आप लोगों के लिए टोटल 3 पार्ट लाऊंगा। ये पहला पार्ट है, ये वाला वीडियो पे आप लोगों को इतना पता चलेगा आप सब कैसे मनी डिपॉजिट करोगे। और सेकंड पार्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप सभी कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी कोई टोकन वगैरह होता रहता है ना उसे कैसे मतलब बाय करोगे। और बहुत सारे भाइयों का रिक्वेस्ट आता रहता है ना, इसलिए मैं आप लोगों को बोलते जा रहा हूँ। ठीक है, देखो टोकन बाय करोगे। और थर्ड पार्ट पे मैं आप लोगों को बताऊंगा आप जो आपके पास जो भी कोई टोकन वगैरह है अगर आप उसे बैंक पे ट्रांसफर करना चाहते हो ना, तो कैसे कर सकते हो। ठीक है ना, देखो सबसे मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों को देखो KYC अप्रूव हो जाने के बाद आप सभी इसमें मनी कैसे डिपॉजिट करोगे। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे सबसे ऊपर दिखा देगा डिपॉजिट टू INR, आप लोगों को वहाँ पे क्लिक करना होगा डिपॉजिट का INR। देखो डिपॉजिट टू INR के ऑप्शन के ऊपर, ठीक है, देखो वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोगों से ना इस तरह पेज ओपन होकर आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे पूछेगा आप लोग कितना डिपॉजिट करना चाहते हो। देखो यहाँ पे एक अच्छा बात है, इसमें मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 100 रुपये से भी शुरू होता है। आप लोग चाहो ना तो 100 रुपये भी डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को 200 रुपये का डिपॉजिट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैं 200 रुपये का डिपॉजिट करता हूँ। देखो मैंने वहाँ पे 200 रुपये एंटर कर दिया, उसके बाद आप लोगों से ना अगला प्रोसेस आएगा। आप लोगों को सबसे पहला वाला दिखा देगा UPI। ठीक है, आप सभी फोनपे पेटीएम यूज़ करते हो ना, इसलिए मैं आप लोगों को UPI का मेथड बताता हूँ। देखो सबसे नीचे आप लोगों को मांगेगा इंटर UPI ID, आपने किस UPI के मदद से डिपॉजिट करना चाहते हो, आप फोनपे से करना चाहते हो या फिर पेटीएम का। फिलहाल के लिए मैं पेटीएम पे करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे अपना पेटीएम का जो UPI ID है ना डाल देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट कर देता हूँ। आप लोगों से ना इस तरह थोड़ा प्रोसेस घूमेगा, आप लोगों को पे नाउ के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह पेज आएगा, आप सभी अपने पेटीएम या फिर देखो जो UPI डाले होंगे ना वही UPI पर आपका रिक्वेस्ट गया होगा। मान लो आपने फोनपे का UPI डाले होगा तो फोनपे पर रिक्वेस्ट गया होगा। फिलहाल के लिए मैंने पेटीएम का डाला, तो देख सकते हो मेरा पेटीएम पे यहाँ पे रिक्वेस्ट आया है 200 रुपये का, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 रुपये यहाँ पे। ठीक है ना, देखो 200 रुपये मैंने पे करने के बाद आप लोगों को वो वाले पेज पर चले जाना। यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे 7 मिनट का टाइमर दिया जाता है, ये 7 मिनट का टाइमर जब खत्म हो जाएगा ना आप लोगों को तुरंत यहाँ पे जितना डिपॉजिट किए होंगे ना वही मनी डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, देखो यार भाई लोग, मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोग कॉइन स्विच के माध्यम से डिपॉजिट करना चाहते हो ना, तो यार भाई लोग आप लोग यहाँ पे 100 रुपये से लेकर 2000 रुपये के बीच में डिपॉजिट करना और ज़्यादा मत करना। ठीक है ना, देखो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, देखो मेरा 200 रुपये तुरंत डिपॉजिट खत्म हो गया। मतलब 6 मिनट जब खत्म हो जाता है ना वहाँ पे टाइमर, तो आप लोगों का तुरंत डिपॉजिट हो जाता है। देखो डिपॉजिट होने के बाद देख सकते हो मेरे अकाउंट पे यहाँ पे 200 रुपये। ये था पहला मेथड, इस माध्यम से आप लोग डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, देखो यार भाई लोग कोई डरना मत, आप लोगों को सेकंड पार्ट पे बताऊंगा आप लोगों के पास ये जो डिपॉजिट का मनी है ना इसी मनी से आप लोग कोई भी टोकन कैसे बाय करोगे। ठीक है ना, सेकंड मेथड है वाजरेस। ठीक है ना, वाजरेस के माध्यम से आप लोग देखो ये आप सब भी कॉइन स्विच पे आप लोग डिपॉजिट कर दिए। देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया, कॉइन स्विच पे रियल डिटेल डाल के अकाउंट बना लेना और KYC कर लेना, आप लोग ठीक है 50 रुपये भी मिल रहा है, अच्छा बात है ना। तो इसी माध्यम से आप लोग डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ये हमारा इंडियन एप्लीकेशन है। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ सेकंड मेथड है यार भाई लोग वाजरेस। ठीक है ना, वाजरेस भी बिल्कुल सेम है। मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वाजरेस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। ठीक है ना, वाजरेस एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, लिंक के ऊपर क्लिक करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके उसमें एक अकाउंट बना लेना। याद रखो यार भाई लोग, आप लोग ये जो 3 एक्सचेंज एप्लीकेशन में आप लोगों को अभी बताऊंगा ना, ये एप्लीकेशन पे आप लोग जो भी कोई डिटेल देकर अकाउंट बनाओगे ना, आप मतलब अपना रियल डिटेल सब कुछ डालना, क्योंकि यहाँ पे KYC मांगता है। आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ रियल डालना, क्योंकि उड्डल टाइम के भी देखो उड्डल के टाइम पे ना आपके ईमेल आईडी पे भी OTP जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ जो भी कोई चीज़ डाले हो ना उसे खाते पे नोट करके रख लेना कि हाँ ये वाला एक्सचेंज पे आपने अकाउंट बनाए, यही आपका ईमेल आईडी और यही आपका पासवर्ड है। ठीक है ना, जो भी कोई चीज़ डाले हो ना सबको याद रखना। देखो सेकंड पार्ट है वाजरेस पे भी अकाउंट बना लेना। यहाँ पे आप लोगों को वहाँ पे प्रोफाइल दिखा देगा सबसे ऊपर कोने में बाएं तरफ। ठीक है, वहाँ पे प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना, आप लोग इसमें भी KYC अप्रूव कर लेना। इसमें आधार कार्ड का जरूरत होता है, अगर आपके पास आधार कार्ड है ना आधार कार्ड के माध्यम से KYC कर सकते हो, नहीं तो PAN कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हो। ठीक है ना,
देखो इसमें केवाईसी करने के बाद आप लोगों को इसमें कैसे डिपोर्ट करोगे, ये भी सेम टू सेम है अकाउंट स्विच जैसा, इसमें भी एक घंटे के अंदर अप्रूव हो जाता है केवाईसी। देखो आप लोगों का एक सबसे पहले आप लोगों का नीचे एक दिखा देगा फोन का सेक्शन, ठीक है ना, आप लोगों को सिंपल सा फोन के ऑप्शन में क्लिक करना होगा। देखो आप लोगों को नीचे एक दिखा देगा फोन, ठीक है, आप लोगों को सिंपल सा फोन के ऑप्शन को पे क्लिक करना, आप लोगों सामने यहाँ पे आएगा INR, ठीक है, INR को पे क्लिक करना, आप लोगों सामने यहाँ पे नीचे आएगा डिपोजिट, यहाँ पे भी आप लोग जितना चाहते हो ना उतना डिपोजिट कर सकते हो। देखो सिंपल सा आप लोग डिपोजिट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, देखो डिपोजिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ना तो आप लोग सामने कुछ इस तरह पेज जाएगा, ठीक है ना। देखो और भाई लोग अभी फिलहाल के लिए वाजरेस के माध्यम से ना डिपोजिट नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ पे टेम्पोरारी ऑन अवेलेबल दिखा रहे, ठीक है ना, ये कभी कभी यहाँ पे डिपोजिट ऑप्शन अवेलेबल होता है लेकिन ये भी सेम टू सेम कौन सी चीज़ है जैसा है। देखो यार जो पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन के माध्यम से कोई डिपोजिट मत करना, यहाँ पे डिपोजिट नहीं होता है, लेकिन जो सेकंड चीज है ना सेकंड ऑप्शन के माध्यम से डिपोजिट होता है, ठीक है। अभी फिर लग रहा है सेकंड ऑप्शन यहाँ पे रेड रेड दिखा दे रहा है, टेम्पोरली ऑन अवेलेबल दिखा दे रहा है, बोले तो इस माध्यम से अभी डिपोजिट नहीं हो पाता है। आपने जिस तरह कौन स्विच पे डिपोजिट किया ना इसी तरह यहाँ पे भी डिपोजिट होता है, लेकिन ये कभी ऑन देखो अवेलेबल होता है ना यहाँ पे एक दो दिन के बाद, नहीं तो एक हफ्ते के बाद, नहीं तो 10-15 दिन के बाद यहाँ पे शो होता है डिपोजिट का सेक्शन। फिलहाल के लिए इसमें प्रॉब्लम चल रहा है ना, तो ये टेम्पोरली ऑन अवेलेबल लिखा आ रहा है, मतलब अभी इनका सॉल्यूशन वो करने के बाद ना यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप लोग इसी माध्यम से भी डिपोजिट कर सकते हो, लेकिन देख आप चेक करते रहना जब भी यहाँ पे डिपोजिट ऑप्शन शो होगा आप इसी माध्यम से डिपोजिट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों ले चलता हूँ थर्ड ऑप्शन के माध्यम से। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों को बायनेंस, ठीक है, थर्ड मेथड के पेमेंट मेथड के, देखो ये बायनेंस के माध्यम से ना आप लोग भी तुरंत डिपोजिट कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना होगा, बायनेंस के माध्यम से ना अगर आप लोग डिपोजिट करते हो, मान लो आपने 5,000 का डिपोजिट किया, आप लोग यहाँ पे 400-500 या फिर 300 रुपये का भी चार्जेस लग सकता है, ठीक है ना, बोले तो यहाँ पे 250 रुपये से 500 रुपये के बीच में आप लोगों को यहाँ पे चार्जेस लगेगा बायनेंस के माध्यम से। अगर आप लोग 1,000 रुपये का डिपोजिट करते हो ना तो यार भाई लोग आप लोगों को 70-80 रुपये का चार्जेस लगता है, ठीक है ना, बायनेंस के माध्यम से, लेकिन यहाँ पे भी तुरंत हो जाता है। देखो बायनेंस का अगर आप लोग बायनेंस के माध्यम से रिपोर्ट करना चाहते हो यार भाई लोग, मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे बायनेंस वीडियो दे दूंगा, ठीक है ना, बायनेंस वीडियो लिख दूंगा, वो वाला वीडियो देखे आप लोग सभी बायनेंस के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा यार भाई लोग एक लाइक कर देना, आप लोगों को कॉल सेकंड पार्ट टू का वीडियो लाऊंगा, वो वाला वीडियो पे बताऊंगा आप लोग जो मनी डिपोजिट करना आखिरकार ये मनी क्यों डिपोजिट किए हो, और आप लोगों से जो सेकंड पार्ट पे वो भी पता चल जाएगा, जो मनी डिपोजिट किया ना इस मनी से आप लोग कैसे टोकन वगैरह बाय करोगे, ठीक है। और आप लोगों को थर्ड पार्ट पे बताऊंगा आप लोगों के पास जो भी कोई टोकन वगैरह है आप लोग कैसे अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है ना। और भाई लोग क्लियर टोकन का जबरदस्त, मतलब बोले तो लैर टोकन पे सभी के सभी अर्निंग करते रहना, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है हर महीने, आप लोगों को बोले तो हर महीने आप लोगों को 1,000 रुपये से लेकर 10-15,000 रुपये के बीच में अमाउंट मिलता है, ठीक है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लैर टोकन वीडियो का लिंक दे दूंगा, वो पहले वीडियो देख लेना जो जो बंदे अभी तक लैर टोकन पे ज्वाइन नहीं हुआ। आज के इस वीडियो में से इतना ही, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, उसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना।